प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 10 करोड़ वैक्सीनेशन पूर्ण होने पर नागरिकों को बधाई दी। सीएम ने कहा है कि प्रदेश की जनता को कोविड-19 से सुरक्षा चक्र देने का एक अहम पड़ाव हमने पूरा कर लिया है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मुफ्त वैक्सीन दी गई है, उनके हम आभारी हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कुल मिला के प्रथम और द्वितीय डोज वैक्सीनेशन के टीकाकरण के हमने 10 करोड़ पूरे किए। प्रथम डोज हमारा 94% से ज्यादा लोगों को लग चुका है और सेकेंड डोज भी हमारा 87% से ज्यादा लोगों को लग गया है। ये 10 करोड़ का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जनता के लिए, जनता को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र है और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए मैं हमारे स्वास्थ्य विभाग को, मेडिकल एजुकेशन विभाग को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे नर्स को, हमारे एएनएम को, हमारी आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे प्रशासन को, जिले का प्रशासन, क्योंकि सारे कलेक्टर्स भी इस काम में लगे हुए थे, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्रीगण, हमारे निचले स्तर तक के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाजसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, धर्मगुरु, उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और ये अपील भी साफ कर करता हूं कि जो शेष रह गए हैं, चाहे वो पहला डोज हो चाहे वो दूसरा डोज, आपके आसपास, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित अगर कोई टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें और अपनी जनता को बचा पाएं।